दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बच्चों, सेकंड ईयर का एक और चैप्टर करते हैं आज। हम आज एक और स्टोरी करेंगे। स्टोरी है अ क्यूरियस ड्रीम। बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअली। मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे मैंने पहले बताया, जो ऐसी बड़ी स्टोरीज होंगी उनको पूरा इस तरह से लाइन टू लाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे लेक्चर्स बनते हैं फिर उन पे, है ना? आप भी पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे इतने सारे लेक्चर्स को देख देख के। सो बेसिकली मैं बहुत डिटेल में स्टोरी समझाऊंगा आपको। इतना डिटेल में समझा दूंगा कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपने टेक्स्ट लाइन टू लाइन ही पढ़ लिया एक तरीके से। तो काफी डिटेल में स्टोरी समझाऊंगा तो आपको, जिससे कोई डाउट ना रह जाए, है ना? तो ठीक है, स्टार्ट करते। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं राइटर के बारे में। अ क्यूरियस ड्रीम किसने लिखा है एक्चुअली? ये लिखा है द फेमस फेमस मार्क ट्वेन ने। किसने लिखा है? मार्क ट्वेन। अब मार्क ट्वेन एक्चुअल में थे कौन? एक्चुअली मार्क ट्वेन का ओरिजिनल नेम था सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। क्या था? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। परंतु पेन नेम इनका क्या था? मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का पेन नेम एक्चुअली इस नाम से लिखा करते थे। ओरिजिनल नेम तो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था, ठीक है? 1835 में जन्मे, 1910 में डेथ हो गई, है ना? बेसिकली ये उन राइटर्स में से जाने जाते हैं जिन्होंने अमेरिकन लिटरेचर में, कह सकते हैं आप अमेरिकन लिटरेचर में रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म का एंड किया। और किसको ले आए? इसको ले आए, आप बोल सकते हैं ये लाए एक तरह से रियलिज्म को। रोमांटिसिज्म का खात्मा हुआ, रियलिज्म की स्टार्टिंग हुई इनके थ्रू, क्योंकि इनकी राइटिंग से एक तरह से कह सकते हो आप। इनको अमेरिका में मतलब एक तरह से ग्रेटेस्ट राइटर्स में माना जाता है। सबसे बड़े राइटर्स में से एक हैं अमेरिका के। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें से एक विलियम फॉकनर हैं। विलियम फॉकनर का तो ये मानना है कि एक्चुअली यही फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है अमेरिका के। तो अमेरिका के फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्हीं को कहा जाना चाहिए, यही है, ऐसे विलियम फॉकनर का मानना है। सो बेसिकली बहुत बड़े राइटर थे एक्चुअली, और बड़े राइटर थे कुछ वजहों से। इनके मतलब लिखे गए नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे इनकी जो स्टाइल है, एज ए ग्रेट ह्यूमरिस्ट, अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट में माने जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हास्य वाले का राइटर जो होते हैं ना, हास्यप्रद कहानियां लिखने वाले, वैसे राइटर तो बहुत बड़े, सबसे ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट मान जाते हैं अमेरिका के, तो आप ही मान सकते हो। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, वो भी अलग थी काफ़ी। उनकी राइटिंग स्टाइल के फीचर्स अगर आप देखोगे तो देखो, ह्यूमर बहुत ज़्यादा भर भर के है, मिलेगा खूब। मतलब इनकी ह्यूमर तो इनकी मतलब रग रग में था एक तरीके से, आप कह सकते हो, है ना? यानी हास्य तो रग रग में भरा हुआ था इनकी राइटिंग की। साथ में बहुत ब्रिलियंट रेकेंटर थे ये। रेकेंटर कौन होते हैं? स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर को बोलते हैं रेकेंटर, यानी कि अ पर्सन हु टेल्स एनेक्डोट्स, एक पर्सन जो कहानियां सुनाता है। तो बहुत ही ब्रिलियंट रेकेंटर रहे, मतलब कहानी सुनाने में तो एक्सपर्ट। और इनकी कहानियों में जो नैरेटिव्स, कथानक, बहुत ही स्ट्रांग वे में कहानियों को सुनाने, मतलब कथानक जो होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब जो नैरेटर होता है, जो नैरेशन देता है, जो कहानी सुनाता है, नैरेटिव बहुत ही स्ट्रांगली कहानी सुनाई जाती है, बहुत डिटेल में सुनाई जाती है। और जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, बहुत ही इवोकेटिव होता है। मतलब आप कह सकते हो सोच विचार, मतलब आपको विचारों में डाल देने वाला विवरण, जो डिस्क्रिप्शन होता है कहानी में, चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, सिचुएशंस का डिस्क्रिप्शन, परिस्थितियों का, जो पर्सन है, कैरेक्टर्स है, उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इवोकेटिव होता है। इवोकेटिव मीन्स आपके विचारों को मतलब जागृत कर दे जो, ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी टेलर हैं। इनकी स्टोरीज में नैरेटिव बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे मैंने बताया ना। एक चीज़ और जो बहुत ही स्पेशल है इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, वो है वर्नाकुलर स्पीच। ये अपनी राइटिंग में वर्नाकुलर स्पीच लाए। मतलब वर्नाकुलर कौन सी होती है? जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया अपनी राइटिंग में। और इस वजह से आप कह सकते हो जो वॉल्ट विटमैन, अमेरिका के एक और फेमस राइटर, परंतु वॉल्ट विटमैन क्या थे? पोइट थे, कवि थे। तो वॉल्ट विटमैन ने अपनी पोएम्स में वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो जो वॉल्ट विटमैन ने पोएम में, यानी पोइट्री में किया ना, वही प्रोज में क्या किया? किसने किया? मार्क ट्वेन ने किया। प्रोज में, अमेरिकन लिटरेचर में वर्नाकुलर लैंग्वेज या वर्नाकुलर स्पीच को यूज करने वाले मार्क ट्वेन थे प्रोज के अंदर, है ना? पोएट्री में कौन थे? वॉल्ट विटमैन, ठीक है? तो ये इनका मतलब बेसिक राइटिंग स्टाइल थी। अगर हम की फेमस राइटिंग्स में देखो तो आप देखो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876, अ ग्रेट बुक, महान मतलब स्टोरी। एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, अनदर वन ग्रेट वन, 1884 में आई। तो इनकी ये दो किताबें ही काफी हैं एक तरह से। वैसे होने को तो कई सारी और हैं फेमस फेमस, कई और हैं, परंतु ये दो सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक तो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, दोनों थोड़ी सी आप बोल सकते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी हैं। कैसी हैं? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। कैसे? क्योंकि मतलब एक तरह से इनकी खुद की जीवनी इनके बचपन के ऊपर है। कुछ कुछ उन्होंने अपने बचपन से चीजें उठाई हैं काफी कुछ, है ना? तो
तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, साथ में दोनों बहुत ही बड़ी किताबें हैं, बहुत बड़े नॉवेल्स हैं एडवेंचर के ऊपर भी, प्लस एक तरह से एक बच्चे के स्पेशली एक बच्चे के एडवेंचर के ऊपर है, देखा जाए दोनों के दोनों, टॉम सॉयर एंड हकलबरी फिन। ठीक है, तो ये इनकी सबसे फेमस राइटिंग्स है। तो ये एक्चुअली मार्क ट्वेन और यू कैन से ए के ए सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, इनके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हो उसके राइटर के बारे में, एक मोटी मोटी चीज तो पता होनी चाहिए एक्चुअल में वो थे कौन। ठीक है, तो अब हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी हमारी, उसका टेक्स्ट ये है, मैं जैसे बताया पूरा टेक्स्ट लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा, पर डिटेल में स्टोरी सुनाता हूँ। देखो कहानी शुरू होती है कि अ नाइट बिफोर लास्ट, यानी कि एक रात से पहले वाली रात है ना, मुझे एक अजीब ड्रीम आया, सिंगुलर ड्रीम, मतलब एक बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया। इस कहानी का नाम क्या है, क्यूरियस ड्रीम। क्यूरियस शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा से भरा हुआ, परंतु यहां पर क्यूरियस शब्द का अर्थ है अजीब, एक अजीब सपना है ना। तो नाइट बिफोर लास्ट, पिछली रात्रि से पहले एक बहुत ही अजीब सपना आया। सपना जो था ना उसमें मैं, क्योंकि जो राइटर है वो खुद के लिए बोल रहा है ना, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है, खुद वो नैरेटर कहानी भी सुना रहा है और खुद उसमें पार्ट भी है, कहानी में कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं क्या था, एक डोर स्टेप पे बैठा हुआ था, एक दरवाजे पे बैठा हुआ था। दरवाजा किस घर का था मुझे नहीं पता, किस शहर में था मुझे नहीं पता। राइटर बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कौन सा सिटी है, कौन सा घर था, मैं एक दरवाजे में बैठा हुआ था। रात का समय, रात के 12-1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और वेदर जो है ना, मौसम वो कैसा था, बामी एंड डेलीशियस, यानी कि मौसम था आप कह सकते हो बहुत ही ऐसा मौसम जो ना जिसमें सर्दी हो ज्यादा ना उसमें गर्मी हो, एक बामी बहुत ही शांत और सुकून देने वाला मौसम था। ठीक है, कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी इंसान की आवाज नहीं थी, जो आवाज आ रही थी ना वो आ रही थी एक कुत्ते के भौंकने की, और दूर से एक दूसरे कुत्ते की उसको रिप्लाई करने की, मतलब एक कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा कुत्ता दूर से कहीं से रिप्लाई कर रहा है उसके भौंकने का। ठीक है, इतने में ही ये सब हो रहा था, इतने में ही मुझे आवाज सुनाई दी बोन क्लैकिंग की, यानी जैसे कि हड्डियां कड़कड़ा रही हूं, खड़खड़ा रही हूं, वैसी आवाज आई। तो मैंने देखा यार ये क्या है, फिर मैं इधर से झांका तो पता चला एक लंबा सा स्केलेटन, एक लंबा सा ढांचा हड्डियों का, जिसकी चार तरफ मतलब फटे हुए कपड़े लपटे हुए थे, और वो फड़फड़ाता, वो कपड़े जो लपटे हुए हैं उसके, उसका जो कफन है उसके टुकड़े हैं, और वो फड़फड़ाता हुआ आ रहा था चलता हुआ, और उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही थी। ठीक है, मतलब इस तरह का उसे एक स्केलेटन आते हुए दिखाई दिया। अब उसने उसे गौर किया, देखा वो आया और गुजर गया, अंधेरे में गायब हो गया। ठीक है, इतने में ही उस पे ध्यान हटता कि एक और है ना, एक और के आने की आवाज सुनी। इस बार वाला जो था ना उसने 2/3 कह सकते हो ताबूत अपने कंधे पे उठा रखा था, ताबूत को उठा के चल रहा था। ठीक है, और मतलब उस, मैं चाहता था कि देखूं तो सही ये कौन है, मैं उसके मतलब कफन के नीचे होके झांकने की कोशिश करता। इतने में भाई साहब वो तो मेरी तरफ झांका और स्माइल किया, और स्माइल कुछ ऐसी थी कि ताबूत की आप इमेजिन, मतलब सॉरी एक स्केलेटन पे आप इमेजिन कर सकते हो, कोई मांस मांस होता नहीं, सिर्फ हड्डियां होती हैं, बीच में गड्ढे पड़े हुए हैं। तो वो जैसे ही स्माइल किया मैंने सोच लिया भाई इसको तो यहाँ नहीं रोकना है, तू जा भाई, तू जा तू यहाँ से निकल ले तेरी स्माइल मुझे नहीं चाहिए, है ना, इस तरह की। फिर इतने में एक और आया, दूसरा वाला आया, ये तो बेचारा बिल्कुल ही झुका हुआ था, मतलब वजन से झुका हुआ था। इसके ऊपर क्या था, हैवी ग्रेव स्टोन, बहुत ही भारी भरकम कह सकते हो कब्र का पत्थर जो होता है ना, कब्र का पत्थर लगा होता है, जैसे कि ये ग्रेव है ना, इसके ऊपर कब्र का एक पत्थर लगा हुआ है इस तरह से, है ना। तो कब्र का पत्थर वो अपने ऊपर लाद के बेचारा इस तरह से, और अपने ताबूत को एक हाथ से घसीटते हुए जा रहा था। कब्र का पत्थर तो कंधे पे लटा हुआ था, और जो कॉफिन था, ताबूत था, उसको वो घसीटते हुए ले जा रहा था। अब हुआ ऐसा कि उसने मुझसे कहा, इज दिस डाउन फॉर ए फेलो विल यू, क्या तुम इसे नीचे उतरवाने में मेरी मदद करोगे, मतलब मेरे से रिक्वेस्ट करी उसने, क्या इस मेरी मदद करो इसे नीचे उतरवाने में, क्या तुम कर सकोगे मेरी मदद। तो भाई साहब मैंने उसकी मदद करी, उस पत्थर को नीचे रखवाया, वो जो कब्र का पत्थर वो कंधे पे लेके जा रहा था उसको मैंने नीचे रखवाया। तो पत्थर के ऊपर नाम लिखा हुआ था जॉन बैक्स्टर कॉपमैन हर्स्ट, क्या नाम लिखा हुआ था, जॉन बैक्स्टर, जॉन बैक्स्टर उस आदमी का नाम था। उसकी डेथ हुई मई 1839 में, 1839 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब वो भी नीचे थक, जैसे वो भी नीचे बैठ गया मेरे बगल में, और जैसे बिल्कुल थका हुआ इंसान होता है, और बैठ के उसने अपनी हड्डियों से माथे पे पसीने पहुंचने की एक्टिंग करी। डेफिनेटली ये उसकी कोई पहले की आदत होगी,
मतलब अभी तो मुझे उसके माथे पे कोई पसीना नजर आया नहीं, परंतु ये शायद उसकी मरने से पहले की आदत है जो उसे ऐसे करने की, तो उसने ऐसे किया। ठीक है, और फिर वो बोलने लगा, इट इज टू बैड, इट इज टू बैड, ये तो बहुत बुरी बात, ये बहुत बुरी बात, उसने कहा। मतलब अब मैंने पूछा, क्या बहुत बुरा है फ्रेंड, मेरे दोस्त, बताओ क्या बहुत बुरा है, किस बात से परेशान हो तुम? बोलता, ओ एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ ही बहुत बुरा है। आई ऑलमोस्ट विश आई नेवर हैड डैड, मैंने मतलब मैं इच्छा जता रहा हूँ काश मैं मरा ही नहीं होता, सब कुछ बहुत बुरा है। मतलब मरने के बाद में बता रहा है सब कुछ बहुत बुरा है। तो मतलब मैंने भी उससे पूछा, यार भाई साहब, मतलब आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ हुई है, क्या मामला है? तो बोलता है कि मामला, मेरे इसको देखो, मेरे इस कफन को देखो, टुकड़े चीथड़े हो रखे हैं बिल्कुल, इस ग्रेव स्टोन को देखो, इस कब्र के पत्थर को देखो, बिल्कुल ही घिस गया है, टूट गया है ना, इस डिसग्रेसफुल ओल्ड कॉफिन को देखो, इस ताबूत को देखो, बिल्कुल शर्म आ रही है इस पे देख के मुझे, एक इंसान की पूरी प्रॉपर्टी लुटे जा रही है और आप पूछ रहे हो क्या गलत हुआ है? तो मैंने भी कहा, भाई साहब अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, है ना, माना बहुत बुरी सिचुएशन है, बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन है, परंतु आप जिस अवस्था में मतलब मर चुके हैं, मरने के बाद में तो एक इंसान को क्या ही फर्क पड़ता है इन चीजों से, मैंने ऐसे बोल दिया उससे। तो वो बोला, वेल माई डियर सर, अरे सर क्यों नहीं, आई डू माइंड दे, मुझे फर्क पड़ता है, माई प्राइड इज हर्ट, मेरी तो सम्मान ही, मेरे सम्मान को चोट पहुंची है, मेरा जो सारा जो आराम था वो नष्ट हुए जा रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और आप बोलते हो क्या फर्क पड़ता है, मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है, मरने के बाद में फर्क पड़ता है, चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं, है ना, तो तुम मेरी बात सुनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई मैंने भी बोल दिया, हाँ ठीक है प्रोसीड, बोलो बोलो आप क्या बात हुई। तो वो बताता है कि देखो, आई रिसाइड इन द शेमफुल ओल्ड ग्रेवयार्ड ए ब्लॉक टू अबव यू हियर, कि मैं एक बहुत ही शर्मिंदगी भरे पुराने कब्रगाह में रहता हूँ, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रगाह, एक ग्रेवयार्ड में रहता हूँ जो मुश्किल से एक या दो ब्लॉक दूर है यहाँ से, थोड़ी सी आगे ही है, वहां पे मैं रहता हूँ। ठीक है, वो आगे अपनी कहानी सुनाने वाला था, इतने में उसने बोला कि ये मेरे बगल में से मेरी जो हड्डी है ये निकल गई है, जरा इसे मेरी रीढ़ की हड्डी से जोड़ दोगे, अगर तुम्हारे पास में कोई सिल्वर जैसा तार हो ना, सिल्वर का चांदी का हो, तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, उससे सही तरह जुड़ेगा और दिखने में भी सही लगता है। मतलब वो बीच में ही अपना इंटरेप्शन करके अपनी अवस्था के बारे में मुझे थोड़ा सा बताने लगा कि मेरी साइड में ये पसलियों की निकल गई है, इसे जरा रीढ़ की हड्डी से जोड़ दोगे। तो इस तरह सुना सुनाते फिर वो बोला कि देखो, ये सब हालत हुई इसलिए क्योंकि हमारे जो एक तरह से जो डिसेंडेंट्स हैं, यानी जो हमारे वंशज हैं, उन्होंने हमारी तरफ इनडिफरेंस और नेग्लेक्ट का एटीट्यूड अपना लिया है। मतलब वो हमारी बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, उन्होंने बिल्कुल ही हमको नकार दिया है, हमारी कोई परवाह नहीं उनको, मतलब जो हमारे वंशज हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मैं इस कब्रगाह में 30 साल से रह रहा हूँ, मतलब उस कब्रगाह में 30 साल से रह रहा हूँ, और आपको पता है जब मैं पहली बार वहां आया था तो मैंने सोचा अब सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी मतलब डाउट फियर सब कुछ नष्ट, अब आराम से नींद सोऊंगा इस कब्र के अंदर, पूरे सेटिस्फेक्शन से सोऊंगा, है ना, है ना। तो मेरी मतलब इतनी इतना खुश था मैं उस वक्त, देखा जाए तो काश मैं आपको भी मतलब एक्सप्लेन कर पाता कितना खुश था। अगर मेरी तो इच्छा है आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर पाते आज ही रात तो बहुत बढ़िया हो जाता। अब कोई आपसे बोले कि आप भी मर के कब्र में जाके देख लीजिए, मतलब आप भी मर जाइए कब्र में, ट्राई करके देखिए कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना बड़ा बढ़िया मजा आया था मुझे, तो आप भी सोचो कि क्या बकवास कर रहा है यार ये, है ना। तो मतलब वो ऐसे बोला कि काश मेरी तो इच्छा आपको भी ट्राई करवा देता मैं आज ही रात, कि मुझे कितना जोर का मजा आया था जिस रात में मरा था, मैं सोचा आराम से सोऊंगा इस कब्र के अंदर। और वैसे भी बताऊं, 30 साल पहले की बात है वो, मैं बहुत ज्यादा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि मेरी एक तो सारी जिंदगी की सारी टेंशन खत्म, अब आराम से कब्र में रेस्ट करना है, ऊपर से मेरी जो कब्र थी, हमारी जो कब्र घाट था ना, वो बहुत अच्छी जगह था, ताजा ताजा हवा चल रही थी, फूल खिले हुए थे, पुराने जंगल थे, है ना, गिलहरियां आसपास उछल कूद कर रही थी हमारे ऊपर, है ना, चिड़ियां चहचहा रही थी, एकदम म्यूजिक बज रहा था चारों तरफ, इतना शानदार वातावरण था सब कुछ। मैं एक बहुत ही अच्छे नेबरहुड में रहता था, मतलब मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, सारे जो मरे हुए लोग थे वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, और हमारे जो वंशज थे उस टाइम के, वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, वो हमारी ग्रेव्स, हमारी कब्रों का बहुत अच्छी तरह से उनका रख रखाव करते थे, हमारे यहाँ जो बाड़ा था, कब्र खा के चारों तरफ जो बाड़ा था उसको हमेशा रिपेयर करते रहते थे, है ना, और साथ में हमारे हेडबोर्ड्स को लगातार पेंट करते थे, उन पे पुताई करवाते थे, हेडबोर्ड्स पे जिन पे लिखा होता है कि ये पर्सन कब मरा मतलब फलाना ढिकाना, उसके बारे में तारीफ लिखी होती है वगैरह, वो सब चीजें, है ना, और नए नए हेडबोर्ड से रिप्लेस करवाते, जिस चीजों पर जंग लग जाती है उनको ठीक करवाते, हमारे मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखते, है ना, कब्र के पत्थर वगैरह इन सबका ध्यान रखते, झाड़ियां ना उग जाए उनको काटते, है ना, छटाई करते, और हमारे यहाँ जो फुटपाथ निकलता है कब्रगाह में होके, उस फुटपाथ की मरम्मत करवाते, सब कुछ करते। परंतु उसके बाद में
जो हमारे आगे वाले थे, वंशज थे, वो हमको भूल गए। हम मेरे जो पोते हैं, माई ग्रैंडसन, वो बहुत ही शानदार घर में रहते हैं इसी शहर में, जिनको मेरे हाथों से कमाई गई मेहनत से बनाया गया है ना। मैंने पैसे कमाए उनसे बने हुए हैं, परंतु उन्होंने आज हमको ही नकार दिया है। मैं और मेरे मित्र, उन्होंने इस शहर की समृद्धि की नींव रखी है, परंतु आज हमारी हालत देखो तुम। ये अंतर है पहले के समय में और आज के समय में। आज हमारे जो ग्रेव्स हैं, हमारी जो कब्र हैं, वो बिल्कुल बहुत ही बुरी अवस्था में है। हमारे हेडबोर्ड्स सड़ चुके हैं, है ना, टूट चुके हैं। हमारी रेलिंग्स उखड़ गई हैं, कहाँ पड़ी हुई है कोई, कहाँ पड़ी हुई है। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, कब्र के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं, है ना। हमारे जो ग्रेव स्टोन्स हैं, वो बिल्कुल टूट गए हैं वगैरह, इस तरह के हो गए हैं। मतलब हमारी हालत बहुत बुरी है। कोई उनको पेंट नहीं कराता, कोई रिपेयर नहीं करवाता, ऐसी कंडीशन हो गई है। और ऊपर से हमारी जो ये ग्रेव यार्ड है, हमारा जो कब्र गाह है, वो भी शहर बाहर फैल गया है, तो शहर के अंदर आ गई है। पहले शहर से बाहर हुआ करती जंगल में, अब शहर इतना फैल गया है कि शहर के अंदर आ गई है। इस वजह से हमारे तो पूरा, मतलब जो हमें किसी जमाने में जन्नत लगती थी ये कब्र गाह, वो अब ऐसी हो गई है कि उसमें एक आध पेड़ पौधे हैं उस जमाने के, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से उसने अपना एक्सप्लेन किया, भाई ऐसी अवस्था है हमारी। तो आगे बोलता है कि देखो तुम समझो, हमारे जो वंशज हैं, हमारे है ना डिसेंडेंट्स हैं, वो सम्पटियसली रह रहे हैं, मतलब बहुत आराम से पैसे की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब उनके पास बहुत पैसा है, इसी शहर में रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना। और हमको उनके होते हुए भी इतनी, वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके होते हुए हमको हड्डी और हमारे बोन्स, इनको समेट के चलना पड़ रहा है। मतलब हम, मतलब हमारे लिए एक कब्र में रहना भी मुश्किल हो गया आराम से। हमारी ऐसी कंडीशन है। अब ऐसी सिचुएशन में देयर इजंट ए ग्रेव इन आवर सिमेट्री दैट डजंट लीक और नॉट वन। मतलब ऐसी अवस्था है कि आपको हमारे पूरे ग्रेवयार्ड में एक भी ऐसी कब्र नहीं मिलेगी जो लीक नहीं करती हो, यानी जिसमें पानी टपकता नहीं हो बारिश के दिनों में। ऐसी एक भी कब्र नहीं मिलेगी। वो बता रहा है कि रात में आके देखो, ऐसे मौसम में आके देखो, कभी जब बारिश हो रही हो, आपको पता चलेगा कि आप पेड़ के ऊपर देखोगे, एक एक पेड़ के ऊपर 12 से 15 क्या बोलते हैं, हम जैसे स्केलेटन वो पेड़ पे लटके हुए होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं बारिश के मौसम में। और जब बारिश बंद हो जाती है तो हमारी कब्रों की हालत ये होती है, क्योंकि लीक करती है, पानी उनमें घुस जाता है, तो हम निकल के पेड़ पे बैठ जाते हैं। और बाद में जब वो कब्र को हमको खाली करना पड़ता है, खाली कैसे करते हैं, हम एक दूसरे का स्कल, सिर उधार मांगते हैं, भाई तेरा स्कल मुझे दे दे, इसका पानी भर के बाहर निकालूंगा, तेरा स्कल मुझे दे दे, इसका पानी भर के बाहर निकालना है। एक दूसरे का स्कल बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, और फिर पानी खाली करते हैं, मतलब कब्र में से पानी को बाहर निकालते हैं। ऐसी हालत है हमारी। आप भी मेरा ये देखो, ये मेरी खोपड़ी खोल के दिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं नीचे सिर करके, ये देखो इसमें आपको कचरा दिख रहा होगा, थोड़ी मिट्टी विट्टी पड़ी हुई होगी, ये इसीलिए है क्योंकि इससे पानी भर के बाहर निकाला है। ऐसी कंडीशन हमारी। अब भाई, और आपको क्या लगता है, ऐसे ही समय में जब, क्योंकि ऐसे बारिश में लीक करती है हमारी कब्र, तो ऐसे में जब मैंने एक बार मेरा जो कफन था उसको बाहर सुखाया, तो वो चोरी हो गया मेरा कफन। क्यों चोरी हुआ? वो इसलिए चोरी हुआ क्योंकि कफन बाहर सुखाने की नौबत आ गई हमको। चोरी हुआ भी तो कैसे हुआ, किसने ले गया? वो बताता है कि देखो एक पास में प्लेबियन ग्रेवयार्ड है, मतलब एक बहुत ही आम लोगों की ग्रेवयार्ड है, बेकार सी ग्रेवयार्ड है, बेकार सी कब्र है, उसमें एक स्मिथ नाम का आदमी है, वो मेरी चोरी करके गया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहली बार वो कब्र, मतलब कब्रगाह में आया था, ग्रेवयार्ड में पहली बार जब मरने के बाद में दफनाया गया था, तो वो चेक शर्ट में था, एक बेकार सी चेक शर्ट। और अभी जब रिसेंटली एक सेरेमनी हुई, एक समारोह हुआ, एक नए कब्रगाह, नए ग्रेवयार्ड का उद्घाटन था, उसके समारोह में जब हम लोग सब इकट्ठा हुए तो मैंने उसको देखा, वो सबसे सुंदर कपड़े पहने हुआ था, और मुझे देखते ही वो भाग गया वहां से। इसका मतलब वही चोर था जिसने मेरा कफन को ले गया मेरे चुरा के। और अभी देखो रिसेंटली एक बेचारी एन मटिल्डा हॉचकिस, एक लेडी है, बूढ़ी लेडी, तो मतलब उसका तो ताबूत ही गायब हो गया है बेचारी। वो हमेशा ताबूत अपने साथ में लेके चलती थी, है ना, क्योंकि उसको बीमारी थी बेचारी को, काफी उसको एक बीमारी थी, स्पेस्मोडिक रूमेटिज्म की बीमारी, मतलब एक तरह से आर्थराइटिस, हड्डियों जोड़ों की बीमारी होती है, वो बीमारी थी उसको। तो बेचारी ताबूत लेके साथ में चलती थी हमेशा घसीटते हुए, ताकि उसको कोई मतलब ठंड वंड, वैसे पानी वानी ना भीग जाए, वैसे इस तरह से खुद को बचाने के लिए। उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि उसके ऊपर के 2 दांत हैं सामने निकले हुए, है ना, वो झुकी हुई है एकदम, उसके बगल में से पसलियां हैं वो गायब हैं, उसका बाल एक लट है बालों की सिर्फ इतनी सी, मतलब बहुत ही उसका खतरनाक से डिस्क्रिप्शन देता है वो, कि वैसी वैसी दिखने में थी वो, है ना। शायद तुम उससे मिले होगे, तुम पक्का मिले होगे उससे। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन सुन के जो राइटर है, मतलब बोलता है कि मैं रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो बोलता है कि गॉड फॉरबिड, मतलब भगवान बचाए। इतने में वो ऐसा बोलने वाला था, वो देखता ही शेट, इसके तो दोस्त है यार, मैं ऐसी बोल रहा हूँ उसके सामने। तो बोलता है मेरा मतलब है, मैं कोई वैसा नहीं बोल रहा तुम्हारे दोस्त के लिए कि कोई बुरा बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा सम्मान नहीं मिला अभी तक उससे मिलने का। मतलब ऐसे बात पलटते तुरंत से बोल देता है, और फिर तुरंत बात पलटता है वापस से, बोलता है कि तुम कुछ ऐसा बता रहे थे ना, तुम्हारा चोरी हो गया था कफन, बहुत ही शर्म की बात है बेचारा, है ना, काफी महंगा होगा ना, तुमने अभी जो पहन रखा है ये भी काफी महंगा होगा, जो ये चीज के चितरे चितरे हो गए हैं, टूटा फटा है, ये भी काफी महंगा लिया होगा। इतने में वो देखता है कि
सामने जो स्केलेटन अपनी कहानी सुना रहा है ना, उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो रहे हैं कि वो तीखी सी स्माइल दे रहा है और आंख मारते हुए बोल रहा है। मतलब वो बताता है कि ऐसा है कि जब मेरे पास ये कफन आया था ना, जो फटा सा है, अभी जो मैंने पहन रखा है, तो बगल में से एक कब्र में एक कब्रगाह में से एक कफन गायब हो गया था। मतलब मैं भी इसे चुरा के लाया था। तो वो बस हंसते हुए मतलब तीखी स्माइल लेके एकदम से वैसे मजाक के रूप में बोलता है। तो बोलता है, भाई साहब तुम शब्दों में बात कर लो, ऐसे इशारे मत किया करो। मैंने उससे कहा कि तुम शब्दों में बात कर लो, ऐसे इशारे मत किया करो, तुम्हारे ये इशारे है ना स्माइल, ये कुछ और ही मीनिंग निकलता है मेरे तरफ, तो मैं तो डर जाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, तुम ये ऐसे एक्सप्रेशन मत दो, और हंसो तो बिल्कुल मत, तुम आप ये हंसो मत बिल्कुल। राइटर इस तरह से बोलता है ना, स्माइल करना तो बिल्कुल अवॉइड करो, आप बिल्कुल अवॉइड करो। तो बोलता है चलो ठीक है ना, यस फ्रेंड। फिर वो ये सब कहानी मतलब सब सुना देता है उसको ना। अब बोलता है कि देखो, आपके लिए मतलब ये बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा, परंतु ये सच है। देर इज एंट ए सिंगल कॉफिन इन गुड रिपेयर अमॉन्ग ऑल माई एक्विंटेंस। मतलब मेरे जितने भी जानकार यहां पर है ना आसपास, जितने भी कब्रें हैं ना, उनमें एक भी कब्र ऐसी नहीं है जिसकी मतलब इसको रिपेयर किया गया हो। एक भी ताबूत ऐसा नहीं है इसको रिपेयर किया गया हो। सबकी बहुत बुरी कंडीशन है सबकी। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, जार्विस फैमिली जा रही है, ब्लड शूज जा रहे हैं, बर्लिंग्स जा रहे हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के हैं, है ना। सब बर्बाद हो चुके हैं, सब बर्बाद चुके हैं, बल्कि बहुत अच्छे खानदान के हुए थे किसी टाइम पे, बहुत मतलब अमीर खानदान थे इनके, सबके पैसे वाले खानदानों से बिलोंग करते हैं, परंतु सब बर्बाद हैं ये। अब ऐसी कंडीशन में मतलब मैं कंप्लेन नहीं करता, बट कॉन्फिडेंशियली आई डू थिंक इट वॉज ए लिटिल शैबी इन माई डिसेंडेंट्स टू गिव मी नथिंग बट दिस ओल्ड स्लैब ऑफ ए ग्रेव स्टोन। तो आगे बोलता है कि देखो, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे जो वंशज है उन्होंने मुझे एक कब्र का पत्थर लगा के दिया मेरी उसके ऊपर, जिसपे कॉम्प्लीमेंट तो कुछ लिखा नहीं था, परंतु एक चीज लिखी हुई थी, गॉन टू हिज जस्ट रिवॉर्ड, जिसका मतलब होता है एक तरीके से जो इंसान मर गया है, ये एक तरह का मुहावरा इसका अर्थ होता है मर जाना। तो ये लिखा हुआ था, ठीक है। मैं शुरू में इसको देख के बड़ा खुश होता था, फिर बाद में पता चला कि मेरे दोस्त मित्र आते हैं इस कब्रगाह में और रेलिंग के ऊपर अपनी थोड़ी गड़ा के मेरी मेरी तरफ देखते हैं, मेरी इस कब्र के ऊपर इस पत्थर को देखते हैं, लास्ट में इस लाइन को पढ़ते हैं और फिर हंसते हुए निकल जाते हैं यहाँ से। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैंने इसको हटाया, मिटवाया और फिर मैंने झंझट ही खत्म कर दिया कि मेरे ऊपर कोई आके हंसे नहीं। अब बोलता है दूर देखो, हाफ ए डजन जार्विस ना, वो देखो जार्विस जा रहे हैं, जार्विस असेंबली वाले जा रहे हैं, अपने मॉन्यूमेंट्स को घसीटते हुए जा रहे हैं। वो देखो स्मिथर्स है ना, वो भी जा रहे हैं कुछ दिन पहले। और देखो हिगिंस, हे हिगिंस, ओल्ड फ्रेंड हिगिंस, है ना, मेरिडिथ हिगिंस है वो, 1844 में मर गया था एक तरीके से, ऐसे बताता है। वो भी हमारी सिमेट्री का बहुत ही अच्छी फैमिली का बिलोंग करता हुआ, है ना। इस तरह से मतलब अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि देखो ये वो जा रहा है, ये वो जा रहा है, ये वो जा रहा है ना। वो बोलता है देखो हिगिंस तो मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इससे मेरे, उसने शायद मेरे को सुना नहीं इसलिए उसने रिप्लाई नहीं दिया, वरना मैं तुम्हें उससे मिलवाता अभी हिगिंस से। तो इस तरह से वो मिलवाता है कि ये जार्विस हैं, ये हिगिंस हैं, ये है ना स्मिथर्स है, ये वो फैमिली है, ये फैमिली है। और देखो वो रहा जोन्स, हे जोन्स, वो ओल्ड कोलम्बस जोन्स है, उसका कफन $400 का था उस जमाने में जब मरा था, $400 का कफन था उसका केवल। और आप उसका जो मॉन्यूमेंट था ना वो 2700 यानी $2700 का था उस जमाने में, समझे आप कि कितने पैसे वाले, कितने मतलब अच्छे फैमिली के लोग थे ये लोग, है ना। और आप ये मतलब सोच सकते हो कि कितनी अच्छी फैमिली थी। और देखो वो इंडिविजुअल जो अपने हाथ के नीचे हेडबोर्ड रख के ले जा रहा है, साथ में उसका एक लेग है, उसकी पैर की हड्डी है वो गायब है मतलब घुटने के नीचे। और वो देखो उसका नाम है बारस्टो डलहौजी, वो कोलंबस के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे पैसे वाला आदमी था एक तरह से, जो यहाँ पर हमारे सेमेट्री में आया था, पता है आपको ये, है ना। मैं आपको बता दूँ मतलब कैसे कैसे लोग यहाँ पे, परंतु हम हमारे डिसेंडेंट्स हमारे वंशजों के द्वारा ही जो हमारे साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये व्यवहार किया जा रहा है इतना बुरा, ये हम सहन नहीं करेंगे, अब हम ये सहन नहीं करेंगे, समझ गया। वो लोग नई सिमेट्रीज नई कब्रगाह वगैरह तो खोद देते हैं मतलब स्टार्ट कर देते हैं, परंतु पुरानी वाली का बिल्कुल रख रखाव नहीं करते, पुरानी वाली का कोई ध्यान नहीं रखता कि उनकी हालत क्या है। वो अपनी गलियां सुधार देते हैं परंतु इन कब्रगाहों का ध्यान नहीं रखते, स्ट्रीट्स को ठीक कर देते हैं पर कब्रगाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का। इसलिए हम लोग ये सब छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए अपमान की बात है इस कब्रगाह ऐसी ऐसी कंडीशन में रहना, ये इनको ठीक कभी नहीं करवाएंगे। तो ये सब कहते फिर बोलता है कि गुड बाय माई फ्रेंड, मैं भी जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे इस रात में भी कितना और चलना है, आगे कितना जाना है। सारे लड़के जा रहे हैं, सबने पब्लिक कॉन्क्लेव एक पब्लिक मीटिंग में डिसाइड किया था, पिछली रात ही डिसाइड हुआ था कि हम सब लोग यहाँ से अब निकलेंगे, ठीक है ना, तो मैं भी निकलता हूँ। वो देखो ब्लड शूज जा रहे हैं, मैं इनके साथ ही हो लेता हूँ, काफ़ी अच्छे फैमिली के लोग हैं ये, ठीक है, काफ़ी रेस्पेक्टेबल फैमिली है। कभी किसी ज़माने में 6 घोड़ों पर रख के इनकी ताबूत को लाया जाता था यहाँ पे, इतने सम्मानीय लोग हैं, 50 साल पहले की बात है, समझे। तो ठीक है मैं अब निकलता हूँ, गुड बाय माई फ्रेंड। तो इस तरह से वो अपना ग्रेव स्टोन अपना कब्र का पत्थर अपने कंधे पर लादते हुए अपनी कॉफिन अपनी मतलब ताबूत को घसीटते हुए वो चला गया। मैं 2 घंटे वहाँ और बैठा रहा और देखता रहा, मतलब कंकाल आ रहे हैं और कंकाल जा रहे हैं, मैं उन पे दया खाता रहा, मैं सोचता रहा क्या बुरी हालत है इनकी,
कैसे बेचारे हैं ये, ऐसी कंडीशन हो गई है इनकी, है ना। सब कुछ मुझे एकदम असली सा नजर आ रहा था, मैं नहीं जानता था कोई सपना देख रहा हूँ मैं ये। इतने में वन शराउडेड वेंडर, एक जाता हुआ एक और स्केलेटन था जिसने सिर ढक रखा था अपना, तो उसको मैंने एक आइडिया बताया कि क्यों ना मैं तुम लोगों का जो ये बुरी तुम पे जो आप बीती है इसको कोई कहानी मतलब कहीं पर लिख दूं, कहीं छपवा दूं, ताकि आप लोगों की मतलब कोई मदद हो सके इस तरह से। परंतु फिर मुझे डर लगता है कि कहीं आपके जो वंशज हैं वो बुरा मान जाएंगे कि भाई उन मतलब उनको कहीं बुरा लग जाएगा, दुख होगा कि आप लोग की ऐसी परिस्थिति। तो वो स्केलेटन बोलता है कि नहीं, कोई बुरा नहीं लगने वाला उनको, जिनको हमारी कब्रगाहों पे तरस नहीं है उस पर बुरा नहीं लग रहा कि उनकी ऐसी हालत हो चुकी है, वो हमारे बारे में सुन के क्या बुरा लगेगा उनको, खाक बुरा लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। जब मतलब इस पूरी कम्युनिटी को हमारे ग्रेवयार्ड पे असर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी ग्रेवयार्ड की कैसी कंडीशन है ना, वो इसको आराम से देख पा रहे हैं, मतलब उनको सहन कर पा रहे हैं कि ऐसी बुरी कंडीशन को देख के उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या मतलब उनको क्या ही फर्क पड़ेगा हमारे बारे में सहन के, ठीक है, तो इसकी तुम टेंशन मत लो। इतने में ही एक मुर्गा चिल्लाया और मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरा सिर बेड से नीचे लटका हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ऐसी पोजीशन में सो जाएं कि आपका सिर बेड से नीचे लटक जाए और ऐसे आप सो रहे हैं, तो आपको इस तरह के सपने आते हैं जिनमें आप ऐसे अजीबोगरीब सपने देखते हो। तो समझ गए, स्टोरी ये थी, समझ में आ गई होगी कि क्या स्टोरी में एक्चुअली बात हो रही है, डिटेल में एकदम ढंग से ये स्टोरी एक्चुअली है किसके बारे में, पूरा समझ में आया होगा इजीली। मैंने मतलब एक एक डिटेल में समझा दिया कि कौन कौन कैरेक्टर क्या 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 बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है ना। तो अब लोग हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थीम्स पर जो इसमें आगे बन सकती हैं स्टोरी, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ना। पहली चीज तो आपकी एक क्वेश्चन इसमें सीरियसली बन सकता है कि इस स्टोरी की थीम क्या है, ये किस थीम पर है। तो जैसा कि आपको मैंने स्टोरी सुनाई आपको समझ में आ गया वो थीम क्या है, थीम है ग्रेवयार्ड्स की बहुत ही जर्जर हालत, मतलब उन पे ध्यान देना। राइटर इस चीज पे फोकस मतलब लाना चाहते थे कि सोसाइटी को जो ग्रेवयार्ड है ना उनकी कंडीशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस कंडीशन में है, उनकी कितनी बुरी हालत है। क्योंकि ठीक है जो लोग मर गए वो मर गए, कुछ आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, आफ्टर लाइफ मतलब आफ्टर डेथ के बाद में जो लाइफ होती है यानी मरने के बाद में सोल का आत्माएं कहाँ जाती हैं वगैरह वगैरह, ये कंसेप्ट पूरा अलग है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो भी हैं इन पर बिलीव करते हैं, धर्म है, धर्म की अलग 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 भाव मतलब धारणाएं होती हैं, लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं, तो वो चीजें हैं। तो इन सब का ख्याल रखते हुए जो कब्रगाह वगैरह हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पे कब्रगाह के लिए, तो कब्रगाह वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। राइटर इस चीज पे फोकस दे रहे थे, स्पेशली ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एक तरह से, ही इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी की ग्रेवयार्ड्स शुड बी ड्यूली केयर्ड ऑफ, मतलब इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इनकी ऐसी जर्जर हालत ना हो कि सोसाइटी हम पे हंसे, लोग हम पे हंसे, है ना, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है उन लोगों का भी सम्मान रहेगा जो मर चुके हैं, साथ में हमारी सोसाइटी का भी सम्मान रहेगा, है ना, तो इंपॉर्टेंट थीम तो ये है। परंतु मॉरल स्टोरी का क्या है, स्टोरी क्या शिक्षा देती है, स्टोरी ये शिक्षा देती है कि ठीक है अभी हम लोग जो जिंदा हैं वी आर दी प्रेजेंट ऑफ दी सोसाइटी एंड द प्रेजेंट ऑफ दी कम्युनिटी टू विच वी बिलोंग, यानी जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं हम उसका आज हैं, वी आर प्रेजेंट, हम उसका आज हैं, परंतु आज जो हम हैं इट इज बिकॉज ऑफ सम पीपल जो हमारा पास थे, हम आज जो भी हैं वो किस लिए हैं, मतलब किस वजह से हैं, किनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, कुछ ऐसे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो हमारा पास्ट थे, यानी उन लोगों ने जिन्होंने ये शहर खड़ा किया, जिन्होंने ये समाज बनाया, जिन्होंने ये देश बनाया, उन लोगों की वजह से हैं। तो जो लोग मर चुके हैं जिन्होंने इतना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जो अब जिंदा नहीं है, उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है, ये कि उन लोगों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उनको मरने के बाद में उनका रख रखाव करना हमारा फर्ज है। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी में जैसे कब्र होती है वगैरह, हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत कुछ होते हैं, मतलब हम भी मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं उन किसी लोगों की याद में, कई चीज बनती है मॉन्यूमेंट्स में, लोकल गांव में तो हमारे देवी देवता बनाए जाते हैं पूर्वजों के नाम पे, हम देवी देवताओं के एक तरह से मॉन्यूमेंट बनाते हैं ना, वहां पर अक्सर त्योहारों पे जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो मतलब अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग धारणाएं हैं, सब अपना अपना फॉलो करते हैं और एक तरह से हमारे पूर्वजों को याद करते हुए हम उनका सम्मान करते हैं, है ना। तो ये चीज है ना, इस ये शिक्षा दे रही है एक्चुअली स्टोरी कि हमको उन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन को भी भूलना नहीं चाहिए, और हम वो इस तरह ही शो कर पाएंगे जब उनकी हम शिक्षा को तो हम ग्रहण करेंगी, फॉलो करेंगी फ्यूचर में उनकी जो उन्होंने शिक्षा सिखाया है, परंतु हम इसके साथ में उनकी याद में जो हमने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उनका हम ढंग से रख रखाव भी करेंगे। वो रख रखाव करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम उनका रख रखाव ही नहीं करेंगे ना तो वो ये इंडिकेट करता है कि हम उनका सम्मान नहीं करते और हम उनको भूल चुके हैं। तो ये स्टोरी है, मतलब ये मॉरल है स्टोरी का, ये शिक्षा है
कि जिन लोगों ने सोसाइटी को बनाया है, जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, हम उनको हमारे हमको उनको कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए, हमें उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना चाहिए। और ये याद हम तब रख पाएंगे जब हम उनकी निशानियों का सम्मान करें, उनका रख रखाव करें। ठीक है, तो ये हो गया मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब ड्वेन एज ए राइटर, मैंने जिस स्टार्टिंग बताया, अब ह्यूमर से भरा हुआ है। देखो कितना हंसी मजाक था, जिस तरह से वो डिस्क्रिप्शन करते हैं कि कंकाल हंस रहा है, तो बोले भाई साहब तू हंस मत, तू रहने दे, ऐसे ही रहने दे ना। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि कंकाल अपनी कहानी सुनाने से पहले बोलता है, ये भाई साहब जरा ये मेरी बगल में से ये हड्डी निकल गई, इसे जोड़ दोगे रीढ़ की हड्डी के साथ में, जरा सिल्वर का वायर हो तो बढ़िया रहेगा। मतलब वो जो तरीके हैं ना हंसाने के, वो ह्यूमर, हास्य चीजों का एलिमेंट जो इन्होंने इस्तेमाल करते हैं जगह जगह, बहुत ही गजब का है ना। साथ में डिस्क्रिप्शन देखो कितना डिटेल में ये विवरण देते हैं। ये तो मैंने चलो आपको डिटेल में स्टोरी सुनाई, अगर एक एक वर्ड पढ़ के सुनाता तो पता चलता है आपको कितना डिटेल में। आप खुद पढ़ के देखना कितना जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दिया है एक एक चीज का, हड्डियों का, चलने के स्टाइल का, बोलने का, उनके एक्सप्रेशन का, कंकाल किस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, है ना, कैसी कंडीशन रह रहे हैं उनका, मतलब एक एक चीज का बहुत जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दिया है। और नरेशन ब्रिलियंट नरेशन, कहानी सुनाने का तरीका जबरदस्त है ये। सामने वाला किस तरह से हाजिर जवाबी दे रहा है, मतलब हाजिर जवाबी कर रहा है, मतलब किस तरह से आंसर कर रहा है, नैरेटर किस तरह से आंसर कर रहा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, मतलब स्टाइल ऐसी होती है कि कंकाल जो डायलॉग बोल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। मतलब वर्ड से पता लग जाएगा कि कंकाल बोल रहा है, और जो नैरेटर बोल रहा है वो वर्ड से पता लग जाएगा कि नैरेटर बोल रहा है। मतलब लिखने का स्टाइल, तो वो जो लिखने का मतलब जिस तरह उसने लिखा है राइटर ने, और जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जब आप नैरेट करते हो, कहानी सुनाते हो, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये डायलॉग कंकाल के लिए बना है, ये डायलॉग नैरेटर के लिए बना है। मतलब डिफरेंट है भाव, इमोशंस, फीलिंग ऊपर नीचे होती हैं बोलने में भी, दोनों के में, कि कंकाल किस तरह से बहुत ज्यादा इमोशनल है अपने इंसिडेंट, अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसकी, तो उसके डायलॉग उसी तरीके हैं। दूसरी तरफ जो नैरेटर है वो एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ में, तो उसके डायलॉग उस तरह के हैं कि उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में उसको फर्क पड़ता है, वो भी सोचता है यार ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ में, है ना। तो नरेशन बहुत जबरदस्त है, डायलॉग्स उसी तरह से लिखे गए हैं जिस तरह की सामने वाले की भावना है, जिस तरह की सिचुएशन है, बिल्कुल, तो आप तुरंत पहचान जाओ किसका डायलॉग कौन सा है। तो ट्वेन एज अ राइटर वॉज ब्रिलियंट ऑलवेज, तो बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं, और इन्होंने मतलब ये स्टोरी बहुत जोरदार तरीके से लिखी है। तो मैंने इसे बताया ह्यूमर भरा पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में है, नरेशन बहुत शानदार है, ये इनके फीचर्स है कुछ, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से बन सकते हैं पोएम में, मतलब सॉरी इस स्टोरी में से, और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप अब एक बार खुद टेक्स्ट को पढ़ना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, आप इस लाइन का अर्थ बता दो, आपका इसका अर्थ बता दो, मैं बिल्कुल कमेंट में रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग ये लेक्चर्स दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, और मैं अगले लेक्चर के साथ जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन गुड बाय।